बाबा ताजुद्दीन के 102वां सालाना उर्स शहर के बड़ा ताजबाग परिसर में मनाया जा रहा है। सालाना उर्स के लिए समुचे देश से श्रद्धालु ताजाबाद पहुंचे हैं। उन सभी के लिए हजरत बाबा सैयद साहब राजाबाग सफार खिदमत समिति नागपुर की ओर से 8 दिन का लंगर लगाया गया है। बाबा ताजुद्दीन के 102वां सालाना उर्स बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से हर साल मनाया जाता है। यह उर्स में शामिल होने के लिए लाखों लोग बड़ा ताजबाग पहुँचते हैं। नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं। इन श्रद्धालु के लिए जिससे जो भी सेवा हो पाए वो करते हैं। शहर के हजरत बाबा सैयद साहब राजाबाग सफार खिदमत समिति की ओर से पिछले 29 जुलाई से बड़ा ताजाबाद परिसर में श्रद्धालु के लिए लंगर का आयोजन किया गया है। इसका रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाभ लेते हैं। ये लंगर 5 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। मैं सभी लोगों को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ बाबा साहब की 26वीं की और 102वें उर्स की। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान खिदमत कमेटी है राजाबाग साहब खिदमत कमेटी, इस बार हमने 8 दिन का मुसलसल इंतजाम किया है लंगर का। आज हमारा तीसरा दिन है। आज भी 18 मन बिरयानी यहाँ बनाई गई है और जायरीन आ रहे हैं और लंगर का लुत्फ उठा रहे हैं। सभी नगरवासियों को बाबा सरकार का जो उर्स है राजाबाग शरीफ का, इसकी मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। और जो यहाँ पे न्यास का और लंगर खाने का जो इंतजाम किया गया है ये काबिले तारीफ है। और सब लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और अल्लाह ताला उनको बाबा सरकार के सत्य में नवाजता रहे और ऐसे लंगर चलाता रहे। बाबा ताजुद्दीन के 102वें सालाना उर्स पर हमारी टीम ने ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारी खान से बात की तो उन्होंने कहा कि उर्स के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु ताजाबाद आते हैं। उनके रहने की खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी की सुरक्षा के लिहाज से अग्निशमन विभाग गाड़ी 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है। साथ ही लोगों के सामान रखने के लिए लॉकर की भी व्यवस्था और बारिश से किसी को परेशानी न हो इसके लिए ड्रोन बनाए गए हैं। बाहर के आने वाले जायरीन है उनके लिए यहाँ खाने का और रुकने का अरेंजमेंट किया गया है। उनका सामान चोरी ना हो, मोबाइल चोरी ना हो, पर्स चोरी ना हो, इसके लिए अलग अलग 7-8 काउंटर बनाए गए कि जहाँ पे आने वाला जायरीन, आने वाला श्रद्धालु जो भी है, आने वाले जितने भी श्रद्धालु है जायरीन है, उनका सामान सेफ रहे इसके लिए अलग अलग लॉकर रूम बनाए गए। और तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट में डोम की सुविधा, जो बारिश के पानी से बचने के लिए और वो वहाँ रह सके, सो सके और फ्री ऑफ चार्ज है, कोई उसका चार्ज नहीं है। और कम से कम तकरीबन 15 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था है। और साथ ही में कम से कम 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों साइड में हमने छोटे छोटे अस्पताल खोल के रखे कि आने वाले जायरीन को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। देखिए सेफ्टी के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए, फायर की गाड़ी है, 2-2, 3-3 एम्बुलेंस है। उसके बाद हर चीज का ऑडिट हो रहा है, यानी आने वाले लोग कितना फुटफॉल है, पुलिस एकदम निगरानी बनाए हुए है, ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी अपना काम बाखूबी कर रही है। तो ऐसा नहीं, सारी चीजों का हमने अरेंजमेंट करके रखा है और हर चीज, यानी आने वाले जितने भी जायरीन श्रद्धालु है उनके लिए सेफ्टी का बड़े अरेंजमेंट किए गए, बड़े इंतजाम किए गए। और एक VIP लेन भी निकाला गया है कि कोई आए, VIP भी जैसा आए तो वो सीधे आके ऐसा यू टर्न होके निकल जाए, ये नहीं क्या वो उसी रोड से आए और उसी रोड से वापस जाए। तो अरेंजमेंट जो है काफी इस बार के जो है देखेंगे तो काफी अच्छे है। देखिए यहाँ पूरा तो ऐसा, यहाँ का टोटल फुटफॉल जो है 25 लाख के आसपास है। 8 दिन के अंदर कम से कम 25 लाख लोग यहाँ पे आके जाते हैं। तो 3-4 लाख लोग तो कम से कम 26 के दिन, क्योंकि क्या पूरे देश और विदेश से भी लोग आते हैं, जैसा भी अमेरिका से भी कुछ लोग आए हैं। तो सभी लोग पूरे देश से और विदेश से यहाँ पे, सबसे ज्यादा लोग जो आते हैं वो तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, तो सभी जगह से आते हैं। जितनी अच्छी सुविधा होंगी उतने ज्यादा लोग आएंगे। पहले ऐसा होता था कि सुविधा बराबर रहती नहीं थी, इस बार सुविधा आप देख रहे हो कितना अच्छा है। और हम भी आने वाले जितने भी जायरीन हैं उनके लिए एकदम इस्तकबाल के लिए हमारा पूरा ट्रस्ट हजरत बाबा ताजुद्दीन का खड़ा है कि उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो, तो उनकी सेवा में हम लोग पूरा ट्रस्ट हाजिर। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।